निसंगता, अच्छे लोगों का संग करें, घटिया लोगों का नहीं। आप देखें कि आपकी सहेली कैसी है, आप देखें आपका मित्र कैसा है, लोफड़ तो नहीं है, बिगड़ा तो नहीं है, दुराचारी तो नहीं है, पराई स्त्रियों का संग तो नहीं करता, जिसका खान पान गड़बड़ तो नहीं है। ऐसे लोगों का भूल कर संग मत करना, क्योंकि दुष्ट संग प्रसंग ये ना मृत्यु रेवन संशया, गलत व्यक्ति का संग करोगे तो मरना पड़ेगा एक दिन, अशांत जीवन जीना पड़ेगा, गलत लोगों का साथ ना करना। बाबा तुलसी तो यहां तक बोल गए थे, बरुभल वास नरक करिताता, दुष्ट संग जन देही विधाता। परमात्मा नरक दे देना, लेकिन गलत व्यक्ति का संग मत देना। गलत व्यक्ति का संग पाकर के तो बहुत कष्ट है, भले लोगों का साथ कीजिए, अच्छे लोगों का साथ कीजिए। और इस कलयुग में अच्छे लोगों का संग अच्छा लगता ही कहां है। संतों का, महापुरुषों का संग कीजिए, माँ बाबू जी का साथ कीजिए। माँ के पास बैठती हैं, बड़ी मलूक लगती है, आज तो कम है, माता पिता की संगति अच्छी लगे, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, अकेले ही घूमना चाहते हैं, बाजार अकेले ही करना चाहते हैं। बुराना मानिएगा, आजकल हमारी बहनों को भी पति के संग बाजार अच्छा नहीं लगता, वो अकेले ही सब खरीदारी करने को, मार्केट करने के लिए अकेली, बाजार करने के लिए, क्योंकि अकेली जाएगी तो अपने हिसाब से खरीदेगी, पति के सामने गोलगप्पे भी खाने में तो लाज लगेगी ना। ये तो वही सब देसी बातें हैं जो हो रहा है, कुछ विचार कीजिए, कुछ बदलिए, संग अच्छा कीजिए, निसंगता, अच्छा साथ। देखो शांति कैसे नहीं मिलती, मैं बड़ा शांत हूं, शांति है पास में क्योंकि मुझे आप जैसे अच्छे लोगों का संग मिला है। आप सब अच्छे लोग हैं, इसलिए आप लड़ाकू नहीं है, आप लड़ाकू होते, लड़ते होते तो मैं अशांत हो गया होता, लेकिन सकुन मिलता है। सब लोग इतने बढ़िया हैं, सुबह से लेकर रात तक किसी को झगड़ा ही नहीं करते, लड़ाई नहीं करते। हमारे मस्तिष्क में और पुलिस वालों के मस्तिष्क में बहुत ज्यादा अंतर है। हम सब वातावरण शांत देखते हैं, वो बेचारे सब मारा काटी देखते हैं। रात को घर आते हैं पुलिस वाले, पत्नी डरती है, बच्चे डरते हैं, क्योंकि वो आकर के लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो तो ऐसा कम होता है बिल्कुल, और वो तो अच्छे लोग हैं जो ना लड़े ने। व्यक्ति जैसे माहौल में जो देखता है वह एकदम वही बन जाता है। गाली ना दो तो चैन ही नहीं पड़ता, कभी कभी तो रात्रि को सोते हैं तो भी मुंह से गाली निकल जाती है। ऐसे लोगों का संग कीजिए जो बहुत अच्छे हैं, भजनानंदी हैं, अच्छे लोग हैं, दयालु किस्म के लोग हैं। देखिए शांति आपको छोड़ करके कभी भी नहीं जाएगी कहीं। ये सब बातें वर्णित की जा रही हैं और वही बातें मैं आपके बीच में रख रहा हूं। असंगमो, अच्छे लोगों का संग करें, पवित्र लोगों का संग करें। हर साल में 10-5 दिन अपने गुरुजनों के साथ, संत महापुरुषों के साथ जीवन निर्वाहित करके आया करो। जहां भी कहीं भी कोई संत महापुरुष महात्मा लोग, इनकी संगति बड़ा सुकून देती है, बहुत शांति मिलती है, बहुत आनंद मिलता है, माथे में कोई टेंशन ही नहीं रहता। लेकिन कहा भी तो यह कह दिया गया था, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, तो मिलती तो नहीं है, रोज नहीं मिलती, कभी कभी मौका मिले, भगवान कृपा करे तो यह संभव है। एक बार के लिए धन कम हो के ना हो, लेकिन साधुओं की गुरुजनों की संगति मिली है तो आपसे धनवान कोई नहीं है, दूसरा नहीं है, कहाँ है दूसरा। महापुरुषों की संगति मिल गई हो, उनकी कथाएं मिल गई हो, उनके विचार मिल गए हो, तो व्यक्ति शांत स्वभाव का हो जाता है, शांति के साथ जीवन का निर्वहन करता है। मैं वही बातें कह रहा हूं जो व्रत धर्म पुराण में भगवान वेद व्यास महात्मा जावाली को सुना रहे हैं।